राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 5 फरवरी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया और उसके बाद आम लोगों के लिए मुगल गार्डन खोल दिया जाएगा। दर्शक गार्डन में घूमते हुए 500 से अधिक दुर्लभ फूलों की प्रजातियों से रूबरू हो सकेंगे। दर्शकों के स्वागत के लिए 5 मिनट में तैयार 8 प्रकार के फूलों की प्रजातियों के पीले, लाल व नारंगी सजावटी फूलों के थीम के तहत कारपेट बनाया गया है। इस दौरान मुगल गार्डन के साथ साथ स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार मुगल गार्डन की खास बात रहेगी प्रदूषण से बचाव के लिए नासा की ओर से प्रस्तावित एयर प्योरीफाई प्लांट प्रदर्शनी। इसमें करीब 32 प्लांट की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी में रखे फूलों पौधों को दर्शक अपने घरों में भी रख सकते हैं। ये पौधे प्रदूषण के साथ उससे उत्पन्न होने वाली गैस, धूल और कणों को सोखने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ये आम पर्यटकों के लिए 12 मार्च तक खुला रहेगा। इन 5 हफ्तों के दौरान इसे सोमवार को मेंटेनेंस के लिए बंद रखा जाएगा। इसे हर रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जाएगा।